बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है, मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। और मेरे भविष्य के डॉक्टर साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस जो हमारा चैप्टर था कंप्लीट कर लिया है, और आज की क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से उम्मीद रहेगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, और आते भी हैं। ध्यान रखना मेरी इस बात को, कहीं बाद में मत्था पकड़ के बैठो। भाई सर ने बारी बारी कहा था कि सर कि बच्चों क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे, पर आप लोगों ने नहीं किए। तो आज का पहला क्वेश्चन है द एंथर कंटेंट्स। एंथर क्या कंटेन करते हैं बच्चों? फटाफट से एक बार इसका राइट आंसर दे दो, फटाफट से भाई, ठीक है? क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है यार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, एंथर्स क्या कंटेन करते हैं? कार्पेल, क्या सॉरी पोलन ग्रेन्स, ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है? क्या पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं बच्चों? पोलन ग्रेन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ये कहता है कि इनमें से कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है। तो फटाफट से एक बार भाई आंसर दो, फिर मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वेस डेफरेंस। तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, ठीक है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिस इज। ये कहता है कि इनमें से कौन सा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो बच्चों टेस्टिस भी है, ठीक है, टेस्टिस भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, ठीक है, और जो सेमी वेसिकल्स हैं वो भी हैं। कौन सा इसका आंसर नहीं होगा? तो एक बार फटाफट से आंसर देने की कोशिश करो भाई। अब जो रह गया मेरी तरफ से तो वही आंसर है, ठीक है, बाकी आप बता दो भाई कौन सा सही लग रहा है आपको। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, सॉरी सिस्टम का हिस्सा एक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। इनमें से कौन सी डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है? तो बच्चों वो एक बार आंसर दीजिए फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूं इसका राइट आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, और जो गोनोरिया है और साइफिल्स है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, बट सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, और ये एड्स हैं, ये वायरस के कारण होती है और सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है बच्चों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम एक्वायरिंग ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये कहता है भाई कॉन्ट्रासेप्चुअल जो मेथड हैं उनमें से कौन सा मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाता है? तो फटाफट से आंसर दे दो, कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था बच्चों। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, कॉन्डोम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेथड्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट ऑफ ए वूमेन इज रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड द कट एंड्स आर गेटेड, कट एंड्स आर टाइट, कि जो कट एंड्स है उनको बांध दिया जाता है। तो बच्चों फटाफट से इसका आंसर दे दो भाई, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो बच्चों उसको हम कहेंगे ट्यूबटॉमी, क्या कहेंगे? ट्यूबटॉमी, ठीक है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा काम किया जाता है उसको कहते हैं वैक्सटॉमी, ठीक है, आगे आएगा, डोंट वरी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जिकल मेथड विच प्रिवेंट्स द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवम एंड प्रेगनेंसी डज नॉट अगर दिस मेथड इज, तो ये मेथड कौन सा रहेगा? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो जो स्पर्म को रोकता है बच्चों, ठीक है, स्पर्म को रोकने वाला जो मेथड रहेगा वो मेल में होता है, ठीक है। सर्जिकल जो मेथड मेल में अप्लाई किया जाता है वो होता है वेस्टोमी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर एट, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इमीडिएटली इन द फॉर्मेशन ऑफ, कि जो फर्टिलाइजेशन है वो अचानक से उसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है? फटाफट से बता दो बच्चों एक बार।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो एक जाइगोट डेवलपमेंट होगा, जाइगोट की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और ये क्या है, ह्यूमन लाइफ की पहली सेल होती है भाई, ध्यान रख लेना इसको। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द यूम्बाइलिकल कॉर्ड, कि यूम्बाइलिकल कॉर्ड को कौन सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है। ये कहता है फीड्स द एम्ब्रियो विद डाइजेस्टेड सब्सटेंस, कन्वेज न्यूट्रिशियंस एंड वेस्ट टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो रिस्पेक्टिवली, रिमूव्स वेस्ट मैटर फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द मदर्स ब्लड, सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी। ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को और वहां से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर एक्सक्रिएट करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कि जो डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है बट बैक्टीरिया के द्वारा होती है वो बताइए भाई फटाफट से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो एक बार फटाफट से बता दो यार, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा गोनोरिया। क्या रहेगा, गोनोरिया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11th, एड्स इज ए डेडली डिसीज विच इज कॉज्ड बाय, एड्स एक डेडली डिसीज है वो किसके द्वारा होती है बच्चों, फटाफट से लिख दो भाई, थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी देर पहले, ठीक है, फटाफट से लिख दो। तो मेरे बच्चों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए वायरस। और एक काम और कर दो यार, उस वायरस का नाम है ना, चलो मैं बता देता हूं, HIV, बस इसकी फुल फॉर्म लिख दो आप, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई। नेक्स्ट है बच्चों, इन ए फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट आर रिस्पेक्टिवली। ये कहता है कि एक फ्लावर में जो मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं उनका नाम फटाफट से बता दो बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है यार, आपको आता भी ऐसी बात नहीं है, अभी नहीं आता, ठीक है, फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, एंथर एंड ओवेरी। मेल्स में कौन प्रोड्यूस करता है भाई, एंथर, ठीक है, गैमेट्स को, और फीमेल गैमेट्स को कौन प्रोड्यूस करती हैं, ओवेरी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावर, कि एक फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सही जो प्रोसेस है वो कौन सा रहेगा, फटाफट से बता दो बच्चों। फटाफट से बता दो बच्चों, फटाफट से भी। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, फटाफट से एक बार दो भी आप, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, पहले क्या होगा, पोलिनेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, सीड, और उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। ये कहता है कि पेरेंट्स से जो करेक्टर्स यानी जो गुण ट्रांसफर होते हैं उनकी संतान में वो किसके द्वारा होते हैं। तो एक बार आंसर दे दो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर दे दोगे, उम्मीद है मेरे को, और आपको आते भी हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा जीन्स। क्या रहेगा, जीन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या क्या कहता है कि करेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो। ये कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गुण है, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो वो क्या दिखाते हैं। तो ये कहता है ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, ओनली सिमिलरिटी विद पेरेंट्स, नाइदर सिमिलरिटी नोर वेरिएशन विद पेरेंट्स, बोथ सिमिलरिटी एंड वेरिएशन विद द पेरेंट्स। तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों इस क्वेश्चन का भी, आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट से दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा, ये दिखाते हैं दोनों, बोथ सिमिलरिटी और वेरिएशन को पेरेंट्स के साथ, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज
रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यू टू, ये कहता है कि जो पेरेंट्स में क्रोमोसोम्स के गुण हैं और उनकी जो संतान है उनमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या है, ठीक है, पेरेंट्स में और उनकी संतान में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो बराबर होती है, कॉन्स्टेंट होती है, वो किसके कारण होती है बच्चों ये बता दो भी फटाफट से। तो ये क्या कहता है कि जिस टाइम गैमेट बनता है ना बच्चों, उस टाइम क्रोमोसोम्स दोनों के हाफ हाफ, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो 23 क्रोमोसोम फादर के होंगे और 23 क्रोमोसोम मदर के होंगे, उस टाइम उनकी संतान में टोटल कितने होंगे, 46 होंगे। ये कब होता है, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है उस टाइम। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, ये कहता है द लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, ये कहता है कि जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, पोलन ट्यूब की जो लेंथ है, ठीक है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, किन के बीच जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है भी पोलन ट्यूब्स किन किन को जोड़ती है, तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों फटाफट से आंसर दिया करो यार, इतना टाइम ना लगाया करो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लोवर्स, फ्लोवर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों इसका। फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सेकंड और फोर्थ, यानी ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन आगे पीछे हो रहे हैं, टेंशन ना लेना, ध्यान से बस पढ़ लिया करो थोड़ा सा। तो सेकंड यानी दे कंटेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, और फोर्थ यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, इन ह्यूमन मेल द टेस्टिस लाई इन द सेरेटम आउटसाइड द बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स इन द, तो बच्चों ये किस में हेल्प करता है, ये कहता है प्रोसेसिंग ऑफ मेटिंग में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स में, इजी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म में, या ऑल ऑफ द एबो, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में, किसके फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में ये क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, विच अमोंग द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस एट पबर्टी, ये कहता है इनमें से पबर्टी एज में कौन सा टेस्टिस का फंक्शन नहीं होता, तो कहता है सेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, फटाफट से आंसर दे दो यार इसका। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये दोनों इसके राइट आंसर होंगे। तो देख लो बच्चों कौन से में है, ठीक है, वही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब चलिए भाई नेक्स्ट जो बात हम कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, आज की ये वीडियो थी बच्चों, बताना जरूर भाई आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो यार लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर एक स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। इसके साथ साथ बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी के बटन को भी दबा देना, ठीक है, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बारी बारी आपको कहते हैं भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका फायदा क्या है बच्चों, क्विजेज होंगे काफी सारे, ठीक है, जैसे ही आपके जो प्रोस्पेक्टस आएगा उसके बाद, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर के हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्कशीट और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो क्लास टाइम है डेली का वो अपडेट हो जाता है, वीएलडीए के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, डाउट्स आपके लिए जाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी लिए जाते हैं, और इसकी छोटी सी कॉस्ट हमने रखी है वो है ₹449,
ठीक है। तो जिन बच्चों को भाई वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट का जिन्होंने सैंपल देखना है, डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करके वहां सैंपल्स प्रेजेंट है बच्चों, आप देख सकते हो भाई किस तरह का स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये कोर्स लेने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि जितनी वीडियोज आपने देखनी है देख लो, क्योंकि आप लोगों का भरोसा जरूरी है, बिना भरोसे के देखो ये काम नहीं हो सकता। तो बच्चों विश्वास रखिएगा, पहले सभी वीडियोज को देखिएगा, उसके बाद आप ये फीस पे कीजिएगा। मैं नहीं कहता कि पहले पे कर दो, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले खुद का जो विश्वास है वो जरूरी है बच्चों, तो उसको मेंटेन जरूर करना। और इन्हीं बातों के साथ आपसे चाहूंगा इजाजत, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।